मैं आपको गारंटी देता हूं कि रात को सोने से पहले या फिर सुबह जब आप जल्दी उठ जाए तब इसे आप ट्रीज जरूर कीजिए। आप बस इसे 21 दिन ट्राई कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। जब से लोगों को अपने अवचेतन दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला है, तब से लोग इस पर अपना नियंत्रण करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने अवचेतन मन को अपने वश में करके। वैसे आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम शॉर्ट में और छोटी सी टेक्निक समझाने वाला हूं जिससे आप अपने हर गोल को पूरा कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे दिमाग की शक्ति मानते हैं। आज मैं आपको दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को नियंत्रण करने का एक तरीके से मूल मंत्र माना जाता है। ये कुछ ऐसे राज है जो कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों को सदियों से पता थे, जैसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से व्यतीत किया गया था और समाज के बीच में इसे एक रहस्य की तरह छुपा के रखा गया था। इसमें इतनी ताकत है जो आपको बहुत सफल या फिर बहुत कष्ट दे सकती है। आपने सही सुना, या तो आपको बहुत सफल या फिर बहुत ज्यादा दुखी कर सकती है। आपने पहले भी ऐसा किया होगा, जैसे कि दो शब्दों के बीच में कुछ ऐसा वर्ड लिखो जिससे वह पूरी लाइन बन जाए। वैसा ही कुछ ये भी है, आप इसके बीच में क्या आप भरते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपने इसको किसी भी नकारात्मक चीज मतलब की नेगेटिव चीज से कनेक्ट करते हो तो आप दुख और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। हम जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं, मैं बेकार हूं, और यह कहने मात्र से अगर उनकी किस्मत अच्छी भी नहीं होती तो नकारात्मक ऊर्जा उनके पास आ जाती है। और अगर आप इसको सकारात्मकता से कनेक्ट करते हैं तो आप वैसा ही प्राप्त करेंगे जैसा आप सोचते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के पावर के साथ लोग आपको यही बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे हम वैसा ही पाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त सुनता रहता है, वो हर वक्त सक्रिय रहता है और हर वक्त आप जो भी बोलते हैं उसका पालन करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड आप जो भी आदेश देते हैं, आप जो भी बोलते हैं उसके हिसाब से काम करता है। मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे वाक्य या फिर कहें तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूं जिसको आप सुबह या फिर सोने से पहले यूज कर सकते हो। मैं 110% श्योर कि एक महीने के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इस वाक्य को ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आपको यूज करना है। अभी अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपनी आंखों को बंद करके इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद आप अपनी तरफ से भी कुछ लाइन लिखकर अपने लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो फिर लिखकर सुबह शाम बोल सकते हैं। अब आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ साथ आप अपने मन में बोलना शुरू करिए। मैं स्वस्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं एक बुद्धिमान इंसान, मैं शिक्षित हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं संपन्न हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं साहसी हूं, मैं निर्भय हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं अनंत हूं, मैं वो सब कुछ पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं अब सब कुछ पाने के लिए तैयार हूं, मैं वो हर चीज पा सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं खुश हूं। ये सारी जो भी मैंने लाइंस बोली, जितना हो सके इस पर विश्वास करके आप कुछ दिनों तक ट्राई कर सकते हैं। जितनी देर तक कह सकते हो उसके हिसाब से आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हो कि मुझे इतने मिनट तक इसको बोलना है। इन सारे वाक्यों को हम एफर्मेशंस भी कह सकते हैं। जितनी देर तक आप इसे कहोगे उतना आप पॉजिटिव फील करोगे। ये सारी चीजों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए आपको विश्वास करना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना होगा, तभी इन सारी चीजों का अनुभव आप कर पाएंगे।
आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा इन शब्दों के अनुसार, और आपकी लाइफ वैसी बनती जाएगी जो, क्योंकि ये दो शब्दों में इतनी ताकत है कि आपकी पूरी जिंदगी को वो बदल सकती है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही मायने रखती है, और मैं चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों से सीखकर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें और आपके सपने और आपके जिंदगी को अच्छा बनाएं। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। जय श्री राम।